बोकारो दिनभर में आज बेरमो थाना पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बताएंगे होटल और मिठाई दुकानों में चला छापामारी अभियान। जानेंगे जिला बाल संरक्षण समिति सह चाइल्ड लाइन सलाहकार बोर्ड की उप विकास आयुक्त के साथ बैठक में किन किन बिंदुओं पर बात हुई, इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बोकारो दिनभर में, आप हैं सुदीप के साथ। साथ ही साथ CCL CMD से क्यों मिले विस्थापित नेता, जानेंगे। नेत्र जांच शिविर और रक्तदान कैंप में भी शामिल होंगे। खबरों में बोकारो जिले के 9 प्रखंडों पर भी नजर होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थलों को अनिश्चित काल तक घेरा नहीं जा सकता है। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ सड़क पर धरने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं किए जा सकते हैं और केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है। हाथरस मामले की जाँच कर रही SIT को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिन का और वक्त दिया गया है। कोरोना का इलाज अब आयुर्वेद से भी होगा। आयुष मंत्रालय ने कोरोना के इलाज के प्रोटोकॉल में आयुर्वेद को भी शामिल कर लिया है। भारत में कोरोना मामले 67 लाख के पार कर गए हैं। अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के मामले में ड्रग कनेक्शन को लेकर पिछले 1 महीने से जेल में बंद अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 304 अंक और निफ्टी 76 अंक बढ़कर बंद हुए। सोने की कीमत 20 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरी, वहीं चांदी का दाम 1800 रुपये प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में पिछले 7 महीने से बंद ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस बनाने का काम 16 अक्टूबर से फिर शुरू होगा। हालांकि यह काम 6 शर्तों के साथ चालू किया जाएगा। इस संबंध में सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र के नावा बांध से पुलिस ने 31 लड़कियों का रेस्क्यू किया है। खबरों के अनुसार सभी लड़कियों को एक धागा फैक्ट्री में नौकरी का लालच देकर झारखंड से चेन्नई के तमिलनाडु ले जाया जा रहा था। रेस्क्यू की गई लड़कियों में 9 नाबालिग हैं। विश्व प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर 8 अक्टूबर से एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। कोरोना के कारण माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर 7 महीने से बंद था। स्थानीय प्रशासन ने कोरोना के नियमों के तहत मंदिर को दोबारा खोलने की तैयारी का जायजा ले लिया है। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बेरमो थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान गांधीनगर थाना में मंगलवार को चोरी के बाइक के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर तेनूघाट जेल भेजा। खबरों के अनुसार चोरी की बाइक को जरीडी के किसी व्यक्ति को बेचने जा रहे थे। बोकारो सहित कई इलाकों में मंगलवार को फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम ने मिठाई दुकानों में छापेमारी की, जहां होटल संचालकों को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्हें COVID-19 के गाइडलाइंस का पालन करने को कहा गया। वहीं छापेमारी के दौरान जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज ने होटलों में बन रहे मिठाइयों और व्यंजनों का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट बताने को कहा है। बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर अनुमंडल कार्यालय परिसर बेरमो तेनूघाट के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 9 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2020 तक लागू रहेगा। चुनाव के लिए नाम निर्देशन के क्रम में काफी संख्या में लोग आया करते हैं और अनुमंडल परिसर में वाहनों के आने से सीमित स्थान में सुरक्षा संबंधी समस्या और उसके कारण भगदड़ और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इन संभावनाओं को कम करने और सभी कार्यों को शांतिपूर्ण ढंग से करने के लिए धारा 144 लागू किया जाता है। मित्र मंडल ने बुधवार को चास के नूरी मस्जिद अंसारी नगर में निशुल्क नेत्र जांच और रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 190 लोगों का निशुल्क नेत्र जांच और 30 लोगों ने रक्तदान किया। कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं? 11वां हो रहा था। जो लोग ब्लड नहीं दे रहे उनके लिए क्या मैसेज है? दोनों तो मेरा यही संदेश है कि ब्लड देना चाहिए और ब्लड देने से किसी तरह का कोई शिकायत नहीं। इस कैंप का हमारा यही उद्देश्य है कि जो हम लोगों के बीच में अभी 80% है उन लोगों के बीच में हम लोग ये कैंप के माध्यम से जो सेवा पहुँचाना है पहुँचा सके। और ब्लड डोनेशन का कैंप हम लोग का आए दिन इस COVID-19 में जो रक्त की भारी कमी को देखा जा रहा है और आए दिन हम लोग जो सुन रहे हैं जो इस जागरूकता के प्रति रक्तदान के प्रति लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि मोहल्ले में घर में और इस तरह के छोटे छोटे कैंप हर वार्ड में हम करने के माध्यम से रक्त की कमी को हम फुलफिल कर पाए। और इस थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए मुहिम हम चाह रहे हैं कि हमारे मित्रमंडल की ओर से चले और उन जरूरतमंद बच्चों के बीच में ये थैलेसीमिया पेशेंट के बीच में उपहार स्वरूप रक्तदान का संग्रह करके हम लोग को
शुरू देना चाहते हैं। 50 यूनिट का अभी हम लोग का टारगेट है। फ्री चेकअप कैंप लगाया गया है ईसा हॉस्पिटल द्वारा और हमारे एनजीओ मित्र मंडल द्वारा ये जांच का शिविर का आयोजन किए हैं, जिसमें यहाँ के जरूरतमंद लोग को कोविड-19 के समय में महिला लोग घर से बाहर ना निकल पा रही है, जांच नहीं हो पा रहा है, उन लोग के लिए ये शिविर का आयोजन किया गया है। और आने वाला समय में हम लोग हर सुविधा देते रहेंगे, हर जगह कैंप का आयोजन करते रहेंगे। और ब्लड का जो दान शिविर चला रहे हैं हम लोग, ब्लड डोनेशन कैंप, ये कैंप ज़रूरतमंदों लोग को हर जगह उपलब्ध कराने के लिए हम लोग कर रहे हैं। प्रचार प्रसार हम लोग बैनर द्वारा, घर घर द्वारा, टैम्पलेट द्वारा, मस्जिद में लॉन्च द्वारा, टेम्पो में साउंड लगा करके सबको प्रचार कर करके बुलाए हैं कि आप लोग इच्छा से अपना ब्लड देना चाहते हैं तो दें, जो हर ज़रूरतमंद लोग को पहुँच सके। बोकारो उपविकास आयुक्त जयकिशोर प्रसाद और जिला बाल संरक्षण समिति सह चाइल्डलाइन सरकार बोर्ड की बैठक बुधवार को समाहरणालय सभा कक्ष में हुई। बैठक में सरकारी और निजी विद्यालयों में चाइल्डलाइन से संबंधित 1098 नंबर का प्रचार प्रसार करने और सभी सरकारी और निजी विद्यालय में सही और गलत स्पर्श की जानकारी देने आदि के लिए धावा दल का गठन करने पर चर्चा की गई। साथ ही कहा गया कि बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों का पुनर्वसन और सभी ग्राम और प्रखंड के बाल संरक्षण समिति और कार्यान्वित हो, ताकि सभी स्तर पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। गोमिया प्रखंड के करमटिया गांव में मंगलवार शाम को हाथरस घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। फुसरो के झारखंड कोलरी मजदूर यूनियन के केंद्र महासचिव विस्थापित नेता बेनीलाल महतो ने मंगलवार को दरभंगा हाउस रांची में सीसीएल सीएमडी पीएम प्रसाद से मिलकर विस्थापितों की समस्या व अन्य मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें सीएमडी प्रसाद से विस्थापितों की जमीन के बदले बकाया नौकरी, मुआवजे व पुनर्वास की समस्या के समाधान की मांग की गई। बीएसएल के अमरेंदु प्रकाश ने मंगलवार को नगर सेवा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर उनकी गतिविधियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगर सेवा के विभिन्न विभागों की समीक्षा के क्रम में निदेशक प्रभारी ने सिविल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, बागवानी और जैविक उद्यान से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। वहीं विश्व आवास दिवस पर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की बोकारो ब्रांच ने अभियंता भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया। जरीडी प्रखंड के नए प्रखंड कार्यालय में मंगलवार को उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद द्वारा बेरमो उपचुनाव के मद्देनजर जरीडी प्रखंड के बीएलओ के साथ समीक्षा बैठक की। इस संबंध में उप विकास आयुक्त ने कई दिशा निर्देश दिए, जिसमें छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने का निर्देश दिया गया और उन्होंने कहा कि चुनाव से संबंधित सभी गतिविधियों में मास्क का प्रयोग अनिवार्य है। कसमार प्रखंड मुख्यालय में मंगलवार को प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति व चाइल्डलाइन सलाहकार बोर्ड के गठन को लेकर बैठक की गई, जिसमें प्रखंड प्रमुख विजय किशोर गौतम ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है, इसके लिए सरकारी पदाधिकारी, प्रतिनिधि, एनजीओ से लेकर समाज के हर जागरूक तबके को तत्पर रहने की जरूरत है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। झारखंड के कई जिले में आज सुबह की शुरुआत धूप और छांव से हुई। दो दिन से हवाओं में उमस के दर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कई इलाकों में 24 घंटे में बारिश की संभावना जताई जा रही है। अब जान लेते हैं झारखंड के चार बड़े शहरों का तापमान। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।